एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस उपाध्याय ब्लॉग्स पर। तो शुरू करते हैं आज के नए ब्लॉग को। तो गाइस, मैं ना अभी शाम से ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि कल को जब बहुत ही कम टाइम मिलेगा ब्लॉग बनाने का, इसलिए अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। और कल की तैयारी जो है आज करनी है, इसलिए मैं अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। और फिलहाल तो देखिए रात के जो 8:30 बज रहे हैं। मैं घूम रहा हूँ, खाना खाया था 3 बजे, सो रहा था तो मैं ना खिचड़ी खा के लेट गया था। थोड़ा शेड से बन रहा था खाना नहीं खाने का, तो मैं घूम लू थोड़ा सा। और फिर हम आपने 4:30 बजे खाना खाया था? हाँ, 4:30 बजे। और तो इन्हें तो भूख नहीं है पर मुझे तो है, और मैं इनके बिना खाना नहीं खाती। तुम खा ली, मैं बैठ जाऊंगा तुम्हारे पास, ठीक है? और मैं नहीं खाऊंगा, मैं खाऊंगा फिर दिक्कत बनेगी। क्या पति परमेश्वर को देखते देखते खाना खाती हूँ मैं। दूध भी होने लग रहा है बस। तो अभी मैं किचन का खाना जो वो कर रही थी, खाना मैंने बना दिया है और खा भी लिया। पापी ने खा लिया, मैंने खा लिया। बस अभी जोनी भाई साहब और जो है बंटी भाई साहब अभी तक आए नहीं है, आने वाले हैं थोड़ी देर आगे आगे। और बस उन्हें का खाना बनाऊंगी, वो खाना वाना दूंगी। और ये देखें दूध होने लग रहा है, दूध होते ही ना उसके बाद जो है हम जाएंगे ऊपर, हमें देवताओं के कपड़े वगैरह निकालने। देखिए आज अपनी कैंटीन से भी दोनों क्या सामान लेके जाते जा रहे हो? घूमने ही हो आ नहीं बाबू। ओ कितनी अच्छी ड्रेस पहनी बाबू ने, मेरे पप्पू आए मेरे जी। लौट जा, चल रोटी खा ले बेटा। मेरे जी करो, मेरे जी करो, सोफे पर लौट जा बेटा, यहां लौट जा। कौन है? कौन आ गया? बाबू निन्नी करवा दे, निन्नी करवा दे। चाचू सुवा दे, चाचू बाल पकड़ के, बाल पकड़ के सोना सोना, बाल पकड़ के सुवा दे, बाल पकड़ के सुहा दे। मोटर तो मंडी पड़ी है काम पे, दूध का डिब्बा साफ कर रही है। अच्छा दूध का रखना होगा सुबह में, होने वाला वैसे दूध उत्तर को होने वाला है। बस चल रही है, बस कैंटीन का डुल्लू और वो छोटा सा कुप्पी चाय की। चलो मैं ये खड़ा दूध के चक्कर में कभी निकल गया तुम्हारे इसमें चक्कर नहीं, नहीं तुम्हारी भी नहीं, नहीं तुम्हारी नहीं। अरे मोटी की बात वो देख दुक्का बत्तों में लिकट गया था। एक काम करो फिर से निकलो, अबर तो तुम दूध दूध नहीं, नुकसान हो गया, नुकसान हो गया था। अभी फिर हम दोबारा खोल के कर दिए क्योंकि एकदम ठीक है। ठीक है चल रहा मैं, क्या बनाया ऐसा? ओ भाई साहब क्या बना था, पर मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं छका हुआ हूँ। आपको पसंद नहीं है? हाँ अगर मुझे भूख लगी ना चावल रखे, चावल के साथ खा लूंगा, समझे आप? ऊपर आ चुके थे हम, अगुडे को देखिए, ये देखिए मोटो को, इसमें जहाँ माता रानी की ड्रेस है। आपको दिखाएंगे हम ना, हमारी गांव वाली माता है ना, उनके लिए हम ड्रेस लेके आए, वो दिखाएंगे। सोना हमने ना गुड़िया के लिए बोली हुई थी। ये रहा आपका टैडी, ये रहा आपका टैडी, ये आपका टैडी, खेलो। भाई देखे हम ऊपर आ गए थे और हमारी गुड़िया जो है अभी से डायपर बनाया है। और इधर हम ना आते ही हमने टीवी चला लिया, अपनी एलईडी चला ली, और जो है बरसाने की होली देखने लग रहे थे। इधर जो है सामान निकालने लग रहे हैं, जो घर से सामान आया था ना, मतलब मायके से मेरे, तो वो कुछ सामान हमारी माता रानी का भी आया था, देते हैं वो, और तो वो भी जो है गांव में लेके जाएंगे। ये देखिए हमारी गुड़िया रानी का ट्रेन टेन ट्रेन, क्या पापा को देख रही हो? पापा को देख रही हो? सच में ही देख लो बाबू, देख लो। गंदी क्या हो गया, पोटी कर दी? हाँ कोई बात नहीं, चलो नहीं ये परेशान नहीं हो रही आज बेचारी, चलो सही हो जाओगी। चलो भाई चलो, हंग लगा के बोरे कर दे कर दे कर दे, भांड दे मम्मा को, अब जरा साफ कर, मम्मा को भांड दो, है ना? नहीं गंदा कहते, शिवरात्रि वाले दिन बहुत बुरा हाल कर देंगे ऊपर से व्रत। चलो थोड़ी देर में आ गई, चलो भाई चलो। तो गए देखे से डाटा जा रहा है गुड़िया को, पोटी कर दी ना रोज, समझी? गंदी बच्ची रोज गंदी है, इतनी गंदी स्मेल आती है, गंदा आपको सुंगाने के लिए। अब इसका वेट कर रहे हैं, यहाँ पे भी पानी हो रहा है ना इस वजह से। बात मान लेगा तुम्हारी, बात मान लेगा। पापा परफ्यूम है, परफ्यूम मम्मी को सुंगाया कर, इतना परफ्यूम रोज मम्मी, मैं तो डेली सुंगू, पापा को तो सुंगना चाहिए। गंदा बच्चा, इतने दिन पोटी कर दी है, इतने दिन पोटी कर दी है, रोज पोटी करनी चाहिए, समझ गए? वरना पिट्टी होगी, बहुत पिट्टूंगा, ऐसे ही पिट्टू होते हैं, बहुत ऐसे मारूंगा।
ऐसे मारूंगा सोना को, गंदा बच्चा। हाँ तो गाइस जो मैं लेता ना माता रानी के कपड़े वो दिखाते हैं पहले तो आपको। हाँ, पहले देखिए फिलहाल मैंने कपड़ा बिछा दिया है ताकि जय माता रानी कपड़े अच्छे लगे, मैया रानी कपड़े अच्छी क्यों, उनके नीचे की स्कर्ट होगी। हाँ। ये माता रानी की चुन्नी है और ये माता रानी ऊपर का अच्छी ऊपर का मतलब ब्लाउज टाइप होगा जो उनका। मेरे पापा जी खुद ही चमक रहे थे, माता रानी के कपड़े बहुत सुंदर सुंदर अच्छे जी। हम्म, नहीं पता लग रहे, मैं भी जी पहली बार देख रही हूँ ये सब। देखिए देवता के कपड़े वगैरह निकाल दिए हमने, देखिए बब्बा के साथ खेल खेल रही है। सोना कहाँ घूमी घूमी कर रहा है, कहाँ घूमी घूमी कर रही है। हाँ तुमको मैंने हाथ बीमारी बोल रही थी, काम कर रहा हूँ मैं, काम कर रहे थे बीमारी बोलने का हो गया था बोलना नहीं। मैं चूड़ी पहन रही, चूड़ी पहन ली आज, सोच रही हो गुस्सा हो रही, गुस्सा हो रही, गुस्सा हो रही भाई। सोना गुस्सा हो गया का हो गया, बाबा गुस्से का हाथ लगा रही थी नीचे बाती कर रही थी बाबा जी से, बाती कर रही थी है ना। आ जाएगा मम्मी गर्मी में, ठीक है ओफो छोने की क्या प्रिय है। ये रात का नाइट सूट है इसका, हमने बैग में से क्या क्या सामान निकाला कल के लिए भी, गुड़िया के लिए भी और अपने लिए भी। सबसे पहले निकाली है हमने ये गुड़िया के लिए चब्बी, क्योंकि ये ना अपना हाथ चूसती रहती है, अब ये चब्बी चूसेगी। चूस के दिखाओ, चूस के दिखाओ, गंदी चीज लेते हैं मुँह में, पकड़ लो ना बच्चा, पकड़ लो, हम गंदी चीज लेते। ये है मैया रानी की साड़ी, इसे ना इसके अंदर रख लेंगे ठीक है। और ये मैंने अपनी गर्म पानी के लिए जो है बोतल निकाली है, क्योंकि मुझे अभी गर्म पानी पीना है। और ये देवता पितरों की जो है चादर, ये घर से आई थी देवता पितरों की चादर। मम्मी पैसे भी रखने पड़ेंगे, 10-10 रुपए रख देंगे ठीक है, 11-11 रुपए। चादर है कपड़े दिखे मुझे, सारा चादर ही है देवताओं की, यहाँ से तो कपड़ा अलग लग रहा था। ठीक है, ये चादर हो गई देवताओं की, हमारा रिश्तेदार में भी जाना है। और ये गुड़िया के नाम का निकाले हमने कपड़े, ये इसका नाइट सूट है, रात को पहना के सुलाया करेंगे। नाइट सूट तो ऐसा बता रहे जिससे पूरी रात पहनने की हो, बुझ का गिरते तो हम रात के टाइम में लगाते हैं इसको। देखिए इसका नाइट सूट, नाइट सूट है मेरे बेटे का, नाइट सूट ये भी क्या घर से आया था इसका, हुए में मम्मी ने पहले दिया था इसका नाइट सूट, और एक जोड़ा है इसका, ये भी नहीं ये था इसका ये तो आने का भी नहीं। सोना पोपट बना रहे तेरा, ये तो जबकत के ये तो बहुत छोटा हो गया, ये तो बहुत छोटा दे दिया नानी ने, नानी ये कहाँ से आएगा मेरे, कहाँ से आएगा ये लड्डू, कहाँ से आएगा ये मेरे। गुड़िया ये बोल दे मेरे भाई या बहन आएगा ना कोई भी, उसको देंगे यहाँ या वहाँ पे, तो उसको दे देंगे हम, ठीक है उसके काम आएगा ये। वाले का, वहाँ वाले का, ओके मम्मा रख दो उठा, 10 का लग गया भाई, नंबर का क्यों ना, आप क्यों रो रहे हो, आप क्यों रो रहे हो, आप भी देखोगे, आप भी देखोगे, आप भी देखोगे। कुएं का आया था ना, मतलब पी आया था जब, जब आपने मेरी कुर्ती नहीं देखी थी खोल के, तो मैं आपको खोल के कुर्ती दिखाती हूँ। ये वाला दुपट्टा जो है इसका ना अलग से लगवाया था, क्योंकि इसके मैचिंग का दुपट्टा नहीं आया था,
ये तो फिर अलग से लगवाया था। और ये देखिए इसके नीचे जो है प्लाजो है, आ जाएगा लंबाई के हिसाब से आ जाएगा, मोटाई के हिसाब से तो कह सकते कुछ आपने क्या मुझे बिल्कुल ही वो समझ रखा। और ये रही कुर्ती, देखो देखो देखे तो देखिए, ये देखिए फुल साइज है। मैं तो मम्मी को बोलती कल को गांव में जाए तो मम्मी जी पहन लो, पर मम्मी जी को इतनी शर्म आती है ना बहुत ज्यादा, पर पहनाऊंगी मम्मी को एक ना एक दिन। मम्मी का लुक ब्लाउज के नहीं गिरने की, आप कभी मार्केट में गई ना मम्मी, मैं तब पहना के लेके जाऊंगी। और एक ड्रेस जो है गुड़िया की ये निकली है, सही है इसकी पैंट नेककर है तो पैंट ये फिलहाल इसके लिए इसके तो पैंट कैप्री कैप्री देखे कैप्री एक ये पारी कैप्री और एक ये अंदर पे जल लगाओगी क्या अंदर कॉस्टेज कॉस्टेज कॉस्टेज। और इसकी एक मेरी एक कुर्ती ये रही, यो यो ये दिखा ये देखिए, ये कपड़े ना अब तक मैंने भी नहीं देखे थे, ये देख लीजिए आपके साथ में ही है जो मैं खुद देख रही हूँ, ये देखिए फिर होगा क्या। तो कल को ये पहन के चलो या कोई और ये पहन ले बड़े लग रहा है। तो गाइस बस कल को ये पहनूंगी आप सबको दिखाऊंगी मैं कि कैसा लग रहा है। ठीक है ठीक है। और ये दुपट्टा है इसके साथ में, ये तो आचर आचर पंप खुशी पहन लो तो मुझे पहन लो ना, नहीं तो बकरा हो नहीं आप भी देखो ये वाला दुपट्टा है इसके ऊपर। और ये है प्लाजो पैंट आ जाएगी है ना। हाँ आ जाएगी कोई आ जाएगी। तो ठीक है गाइस अब चलते हैं हम खाना खाएंगे। चले तो गाइस इस ब्लॉग को मैं यहाँ पर एंड करती हूँ, तो जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना आपको आज का ब्लॉग लगा कैसा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।